My son Mukesh Singh into CNG business from last 23 years. We are located in West Delhi in Pashchim Bihar and Swanpur, and we are government authorized. Dosto, today I bought a vehicle. बहुत लोग कहते थे कि भाई बहुत गाड़ियों में आई है लेकिन होंडा सिटी के अंदर वीडियो बहुत कम है. तो ये है होंडा आई वी टेक. इसके अंदर हमने किट लगाई लगभग 6 महीने हो गए एंड आई थिंक 6 मंथ इज़ द राइट टाइम टू टेक द रिव्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो. किट जो लगाई इसमें मोटोजेन की किट लगी है. द सी द फिटिंग फिटिंग इज़ डन एज पर लेआउट गिवन बाय गवर्नमेंट. आरसी पे भी इन्होंने चढ़वा लिया है. ये इसका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है डायरेक्टली सिलेंडर्स पे जा रहा है. ये वन वे वाल्व भी बोलते हैं, इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं. और ये सेफ्टी वाल्व भी है, सपोज इफ देयर इज़ अ लीकेज इन फ्रंट यू जस्ट क्लोज दिस और आप हमारे पास ले आए, उसको हम देख लेंगे. वैसे लीकेज की गुंजाइश बहुत कम होती है. ये रिड्यूसर है, डबल स्टेज रिड्यूसर. पीछे से जो गैस आती है प्रेशर पे आती है और यहाँ रिड्यूस होता है और जितना इसको कमांड मिलता है उस हिसाब से गैस जाती है. ये इसका इश्यू है ब्रेन, जो सब कुछ है सारा कमांड ब्रेन मतलब ECM से ही है जो सारा कंट्रोल कर रही है. ये इसका इंजेक्टर है. सी प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली फिटेड. ये गैस आपका इनपुट दे रही है इंजेक्टर के थ्रू. ये इसका मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, जो आपका मैनिफोल्ड का एयर मास फ्लो रेशियो बताती है ECM को और उसी हिसाब से गैस जा रही है. ये इसका एडवांसर है. होंडा में कोई मैक्सिमम लोग एडवांसर नहीं लगाते, कहते हैं 1500 cc की गाड़ी है क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं कहता हूँ मस्ट है, ज़रूर बिल्कुल. जब AC चलेगी गर्मियों में तो दिक्कत रहता है. और एक रिले भी लगाया हूँ मैं अंदर, वो अंदर लगा हुआ है. रिले का फंक्शन होंडा में क्या है, होंडा का मेनली क्या है, होंडा का जो फ्यूल सेंसर है जो अंदर का सेंसर है, जब भी आप गैस पे चलाओगे आपका पेट्रोल का नीडल डाउन होता जाएगा, तो उसके लिए एक रिले लगती है. वो एग्जैक्टली कितनी गैस है सॉरी कितनी पेट्रोल है वो बताती है. वो रिले मस्ट है. और एक इसमें वैसे इस मॉडल होंडा में ECR वाल नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लगाया. ECR का अगर जिस होंडा में फंक्शन रहेगा उसमें ECR वाल भी लगेगा. सो एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली फिट. मैं एक बूट स्पेस दिखा, आई विल टेक द रिव्यू फ्रॉम द कस्टमर. तो इसके अंदर 12 kg का सिलेंडर लगा हुआ है. सीधा स्पेस, मतलब स्टेपनी अपने जगह पे पूरा का पूरा स्पेस आपको मिला हुआ है. होंडा एक ऐसी गाड़ी है CNG के अंदर ज़बरदस्त कामयाब है. गाड़ी की पिकअप बिल्कुल पेट्रोल 19-20 का भी फ़र्क नहीं है. एवरेज जो है लगभग 18 की दे देती है लोकल में और हाईवे पे 25. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. होंडा के अंदर ज़बरदस्त फिट है. तो रचित जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर. थैंक यू सर. सर ये बताओ कितने टाइम हुआ लगे हुए इसको? ये मैंने अगस्त में लगवाई. अगस्त से लगभग दिसंबर. कैसी चली ये 4-5 महीने? सर इट वॉज अ टॉप नॉट एक्सपीरियंस. इट वॉज अ टॉप नॉट एक्सपीरियंस. आप माइलेज की बात करो, पावर की बात करो, चाहे आप इसके अंदर स्टेबिलिटी की बात करो, गाड़ी में मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि लगवाने से पहले मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे कि यार शुड आई गो विथ CNG इन दिस कार और नॉट. बट टू बी ऑनेस्ट जो मुझे सेटिस्फेक्शन आपसे मिली कि भाई आप लगाओ 100%, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, देन आई गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो देर इज़ सम पर्सन जो इतनी गारंटी के साथ वो चीज़ हाँ कर रहा है. तो दैट्स वाई वी आर टुडे हियर एंड टोटली मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं. आज भी मैं बस एक सर्विसिंग के लिए आपके पास आया था. सो दैट्स इट. गाड़ी की एवरेज क्या है? गाड़ी की जो एवरेज मुझे दिल्ली में मिल रही है वो अराउंड 19-20 की है और हाईवे पे ये 26-28 आराम से दे रही है. मतलब बढ़िया पिकअप है. ये मतलब पता लगता है पिकअप में ये पेट्रोल पे चल रही है से बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवांसर. देखो एडवांसर कई लोग नहीं लगाते तब पता लगता है. तब क्या है कि आप जब ब्रेक मार के सेकेंड गियर में उठाओगे तो उसको 5 सेकेंड लगेगा उसको पिकअप पकड़ने में. फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर ब्रेक लेना है फिर वो पिकअप मोमेंटम बनने में टाइम लगता है. बाकी होंडा एक ऐसी गाड़ी है, मैं कहता हूँ CNG ज़बरदस्त कामयाब है. गाड़ी की पिकअप बिल्कुल पेट्रोल, पता ही नहीं लगता.
ये 4-5 महीने के जर्नी में इन्होंने जो बताया है, इट्स रियली ऑनेस्ट। आई हाईली रिकमेंड कि जिसको भी आपको एक बार CNG अपनी कार में आप लगवाना चाह रहे हो, एक बार मुकेश जी से आके मिलो और एक बार कोट जरूर लो इनसे। यू विल बी यू नो ग्लैड टू हैव अ यू नो सर्विस फ्रॉम हिम। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड मुझे आज तक जो सर्विस मिली है इट इज़ टोटली टॉप नॉच। थैंक यू सर। चलो थैंक यू रचित। थैंक यू। थैंक यू। चलो वी आर वेरी नियर हियर इन पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो एंड आई वेलकम एवरी वन। प्लीज़ कम, अवेल अ सर्विस, अवेल अ 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थैंक यू।